हे गाइस, बेटू आईटी हियर। तो आज ना मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आजकल ना मतलब हर कोई ग्लोबल टॉप वन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हर कोई ये नहीं डालता कि मतलब जिसने टॉप वन अगर नहीं कर पाया तो वो ये थोड़ी डालेगा कि भैया ये बंदा है कर रहा है, ये बंदा वो है, ऐसा वैसा करके मैं नहीं डालता। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। लाइक देखो, अभी आप मेरा गेम प्ले देखो, अभी मैं चल रहा हूँ ग्लोबल टॉप वन पे। एंड अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल मैं था, कल भी टॉप वन पे ही था। ऑब्वियसली मैं काफ़ी दिन से टॉप वन पे हूँ। एंड कल मेरा स्कोर था 809, यानी कि 13,809 था। एंड अभी का जो गेम प्ले चल रहा है ना, इसमें आज क्या हुआ था, आज मेरे को जब मैं गेम खेल रहा था मेरे स्क्वाड के साथ, अपना डैमेज वगैरह मैंने कंप्लीट किया था एंड मैं आगे चलने लग गया था। एंड फिर मेरे को क्या होता है, एक हैकर मार देता है, मतलब मेरे को ही नहीं मेरा पूरा टीम को मार देता ऑब्वियसली। एंड इसमें मेरा 65 का माइनस आ जाता क्योंकि मेरा डैमेज कंप्लीट था, मैंने एटम डैमेज टेक किया था एंड 13 का प्लस आया था, उसकी वजह से मेरा 65 आ गया था। तो क्या हुआ, आप मेरा हिस्ट्री भी देख लो, सच्ची में माइनस हुआ था। एंड तो जैसे कि ये वीडियो वैसे मुझे डालना पड़ा, वरना मैं डालता नहीं हूँ। ऐसा डेली का सीन रहता है कि हमारे गेम में हैकर आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली उठा के वीडियो पटक दूँ कि भाई मैं टॉप वन नहीं कर सकता कि मेरे गेम में इतने सारे हैकर आ रहे हैं। हाँ, मैं ट्राई करूंगा सीजन के एंड तक कि हाँ मेरी एंट्री अच्छी होगी, ऐसा मैं कुछ नहीं डालता कि भैया मेरे गेम में इतने सारे हैकर आ गए इस वजह से मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, कुछ लोगों ने कहा था मैं ड्रम डैमेज लेके खेलता हूँ, तो भाई इसमें गलत क्या है, मैंने अपने वीडियो में खुद बता रखा है ऑलरेडी मैं ड्रम डैमेज लेके खेलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड बेसिकली गाइस, अभी सीन क्या है ना, अभी आपको मैं बताया नहीं मैं किस तरीके से खेलता हूँ। मेरे पास दो डिवाइस हैं, एक मेरा पीसी है बेसिकली एंड एक मेरे पास जो डिवाइस है ना 2GB रैम वाला है। तो कभी कभी मेरे को 2GB रैम में भी खेलना पड़ जाता है एंड आपको पता होगा उसमें लैग अच्छा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो बंदे 2GB में खेलते हैं। आजकल फ्री फायर का जो गेम का साइज है ना वो बढ़ चुका है एंड 2GB रैम वाले मोबाइल में गेम काफ़ी अच्छा तरीके से लैग होने लगता है, मतलब उसमें पता ही नहीं चलता कि बंदा खिड़की से निकल गया कि नहीं निकला, इतना गंदा वाला लैग होता है उसमें। मतलब हर जगह लैग नहीं होता, जब मोबाइल हीट हो जाता है या बीच बीच में एकदम से गंदा वाला लैग मिलता है, कुछ टाइम जगह जगह सही चलता है। तो इस वजह से जब भी मैं मोबाइल में खेलता हूँ तो अक्सर मैं मर जाता हूँ एंड ज़्यादातर केसेस में जिंदा रहूँगा तो किल वगैरह नहीं कर पाता क्योंकि डैमेज लेना पड़ता है। तो क्योंकि मोबाइल, आप जो भी बंदा 2GB रैम वाला प्लेयर है वो समझ सकता है ये बात को। अब भाई जो आईफोन वाले हैं भाई वो थोड़ी समझ पाएंगे कि आईफोन एक्स है, आईफोन 12 है तुम्हारे पास, तुम क्या समझोगे 2GB वालों का प्रॉब्लम। एंड गाइस, बेसिकली मैं इकलौता अभी प्लेयर हूँ जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मतलब उस तरीके से नहीं, मध्य प्रदेश से काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं बट अभी रीजन में टॉप पे ओनली इकलौता मैं प्लेयर हूँ जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टॉप वन पे। एंड गाइस देखो, इसमें मैं कोई स्टेट को वो नहीं कर रहा क्लासिफाई कि भैया मैं इस स्टेट के हूँ, मैं डिवाइड वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि भैया मैं एमपी से हूँ तो एमपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टॉप वन पे। एंड गाइस, मैं जिस एमपी से, मतलब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ ना मेरे एमपी में, तो इस एरिया को बोलते हैं चंबल का एरिया, मतलब जो एमपी वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं, चंबल में बहुत सारे डाकू वगैरह हुआ करते थे, मतलब जो एरिया है ना इस एरिया के लोगों को चंबल के टाइगर्स बोलते हैं, लाइक समझ रहे हो। तो ये मतलब कुछ एरिया के नाम फेमस हैं, तो चंबल वाला एरिया है मेरे यहाँ का। एंड एमपी वाले प्लेयर जो एमपी से बिलोंग करते हैं बंदे वो अच्छे से जानते होंगे कि ये कौन कौन सा एरिया आता है, क्योंकि जो चंबल का एरिया है ना उसमें गिनती के 4-5 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मतलब वो चंबल वाले एरिया से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे यहाँ चंबल रिवर जो है काफ़ी बड़ी रिवर है, वो पास में ही है मेरे यहाँ पे भी। एंड गाइस, जो भी एमपी वाले प्लेयर्स हो ना, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई बताओ एमपी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टॉप पे तो इसमें गलत है या नहीं है, मतलब मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मैं किसी स्टेट को मैं कुछ ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो एमपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि जो हमारे गेम्स होते हैं ना उसमें स्टेट बाय स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, अगर वो एक इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया के अंदर है तो मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड गाइस देखो, अभी आप मेरे गेम्स देखो पीछे, मेरे गेम में इतने सारे हैकर्स आते हैं, मैं कभी नहीं बोलता मेरे गेम में हैकर आ गए, ना ही मैंने अभी तक इस सीजन बहाना मारा कि भैया हैकर आ गए तो मैं टॉप वन पुश नहीं कर सकता, ना ही मैं जो पहले अभी कुछ टाइम पहले मैं डाउन पे था टॉप वन पे जो बंदे थे, ना ही मैंने उन पर कोई एलिगेशंस लगाए, ना ही कुछ बोला। भाई देखो, अपने ओपिनियन रखना अलग बात होती है एंड पब्लिकली कुछ चीज़ें रखना अलग बात होती है। भाई नो हेट, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा, नो, मैं शांति से काफ़ी टाइम से अपना कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ एंड शांति से बैठा हूँ, मैं कोई भी ना ही कॉन्ट्रोवर्सी चाहता हूँ ना ही कुछ चाहता हूँ। इस वीडियो के बाद गाइज मैं अपना नॉर्मल कंटेंट पे फोकस करूँगा, ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ना ही किसी के लिए हेट है एंड जो भी मेरा पास्ट था वो क्लियर हो चुका है एंड मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है। एंड गाइज हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अभी देखो मेरे पे काफ़ी लोग कुछ बोल रहे हैं लेकिन अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना
कि भाई देखो मैं रैंक पुश आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, मैं अभी भी इतनी क्षमता है मेरे में कि मैं काफ़ी टाइम तक रैंक पुश, हो सकता है मैं सीजन के एंड में भी टॉप वन पे देखूं, जो सीजन जब एंड होगा ना तब टॉप वन पे मैं होऊंगा जब रैंक सीजन एंड हो। एंड जो अभी मेरे नीचे वाला रीजन में बंदा है टोनी करके, रोनी करके जो भी नाम है इसका, ये हो सकता है टॉप वन पकड़ ले शायद 2-3 दिन में, क्योंकि मेरा तो गंदा वाला माइनस लग गया था और कल भी लगा था, आज मेरे 2 माइनस लगे हैं। एंड ये बंदा शायद 3-3 हैकर लेके खेल रहा है। देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम खेलो जितना भी लेके खेलना है, मेरी कोई वो तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नहीं ना, अब मैं ट्राई करूंगा, अभी तो मेरा स्कोर का डिफरेंस है, ट्राई करूंगा सीजन एंड मेरे से ही हो एंड मैं टॉप वन पे बना रहा हूँ। एंड जो भी बंदा एमपी से बिलोंग करता है आप कमेंट करके बताओ कि मैं एमपी को टॉप वन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। एंड बेसिकली मैं अगर तो और किसी स्टेट से बंदे हैं ना, तो आप एमपी को स्पेशली मत लेना, मैं इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेपाल और इंडिया के बीच में। देखो मैं कोई वो मतलब लड़ाई टाइप का नहीं बता रहा, सिर्फ मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टॉप वन पे। एंड आज मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था ना, इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, मैंने सोचा था कि भाई मैं रैंक सीजन अभी पुश ही नहीं करता, मैं अपना जाके गेम में ना माइनस करा लेता हूँ, मेरे को पुश नहीं करना बिल्कुल भी। एंड इस गेम के बाद मतलब इस आप इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स दिखाते हो, लाइक डिसलाइक का, उस लाइक अच्छा दिखा देना, अगर लाइक डिसलाइक ज़्यादा दे दोगे डिसलाइक तो फिर शायद मैं रैंक पुश छोड़ दूंगा। एंड अगर आप लाइक अच्छा दिखाते हो, रिस्पॉन्स अच्छा दिखाते हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो इस वाली वीडियो को, तो हो सकता है तो फिर मैं रैंक पुश नहीं मतलब कंटिन्यू कर दूंगा। अब सब आपके ऊपर है गाइज, अगर आप चाहो तो आप चाहते हो कि मैं रैंक पुश कंटिन्यू करूँ तो इस वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखा देना, अगर नहीं चाहते कि मैं पुश नहीं करूँ तो भाई डिसलाइक मार दो एंड कमेंट कर दो, क्योंकि भाई मैं एमपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप कमेंट कर दो कि भाई मत करो रैंक पुश एंड मैं हट जाऊंगा रीजन से। एंड बात करते हैं मेरे केडी के बारे में, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि 1.7 का केडी है, तो गाइज नेक्स्ट सीजन मैं बता रहा हूँ मिनिमम 30 का केडी लेके मैं रैंक पुश करूंगा, मिनिमम 30 का, एंड हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मेरे को अभी भी गेम की इतनी सारी ट्रिक्स बताए ना, मैं 30+ का केडी लेके चलूंगा, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। एंड हाँ मैं करके दिखा दूँ, एंड हाँ गाइज मैं करके दिखा दूंगा, इस सीजन मैंने रैंक सीजन स्टार्ट होने से पहले अपना यूट्यूब स्टोरी डाल दिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं टॉप वन करके दिखा दूंगा, एंड मैंने वो करके दिखा दिया। एंड गाइज अगले सीजन मैं बता रहा हूँ, अगले सीजन मेरे को केडी को लेके बोलते हैं ना, अब जो जो बंदों ने केडी बोला ना तुम्हारा केडी मेरे आसपास तक भी नहीं आ पाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। केडी को लेके अगले सीजन में रैंक पुश करूँ ना करूँगा, एंड मैं आपको केडी दिखाऊंगा कि केडी को कैसे बढ़ाया जाता है एंड कितना तक मैं केडी कर सकता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं किसी को वीडियो में हेट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ करके दिखा दूंगा कि हाँ भाई केडी तुम्हारा इतना एंड मेरा इतना इतना है, तुमसे 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। एंड होप यू गाइज आज का वीडियो, मैं थोड़ा मूड ऑफ था इसलिए ऐसा बनाया है मैंने। गाइज नो हेट नो स्टेटमेंट एंड सॉरी अगर कुछ भी हुआ हो तो। एंड गाइज कमेंट करके एंड लाइक डिसलाइक से आप बता सकते हो आप चाहते हो मैं रैंक पुश करूं या ना करूं, क्योंकि गाइज आप भी पता है टॉप वन पे कितनी मेहनत लगती है अगर कोई बंदा 16-17 घंटे खेलता है। एंड हाँ अभी के सीजन की मैं बात करता हूँ, 13,000 लॉबी में बेसिकली होता क्या, लॉबी आती है बहुत हार्ड एंड जो गेम्स लगते हैं वो कम लगते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों से, जो भी नीचे वाले मेरे बंदे हैं ना ये क्रिमिनल फ्रिमिनल पर्पल वाले नूबड़े टाइप के, इनसे ज़्यादा मैं गेम अभी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसी ट्रिक पता है, तुम 2-4 गेम लगाओगे मैं दिन के 11-11 गेम तक लगा सकता हूँ 13,000 लॉबी में भी ऊपर, क्योंकि पिछले 2 सीजन पहले मैंने 14,000 लॉबी में भी 11 गेम लगाए थे दिन के, 170+ मारा था एक दिन में, सोच लो 13,900 स्कोर पे, तो भाई तुम भूल जाओ कि तुम्हें अभी गेम में ज़्यादा कुछ पता है इस गेम के बारे में। एंड गाइस होप करते हैं इस वीडियो के बाद मुझे कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं चाहिए, अपन नॉर्मल कंटेंट पे फोकस करते हैं, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी भैया एंड नो हेट। चलो गाइस।